मुझे मुझे ये बताएं डॉक्टर सज्जाद, अभी जैसे सुबह ने भी बात की कि एक चीज होती है कि आपने देखा होगा पहले जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे इमरान खान साहब, तो वो कहते थे कि जी असेंबली में ये दोनों पार्टीज बैठी हुई हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, और एक दूसरे से कहता है तुम चोर हो, तो दूसरा कहता है तुम भी चोर हो, फिर दोनों बैठ जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये होता है कि जब हम कभी जाके या किसी भी फोरम पे जाके जब इंडिया को ये कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट कहती है या हमारे आम लोग कहते हैं या जर्नलिस्ट कहते हैं, आप कहें जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है कि जी आप ये जुल्म कर रहे हैं लोगों के ऊपर, मुसलमानों पे ये कर रहे हैं, किसी को ये कर रहे हैं, तो वो भी उठ के फिर कहते हैं जी आप क्या माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है, आप क्या इस तरह का रवैया है, आप लोग जो है किसी पे भी इल्ज़ाम लगा के फांसी लगा देते हैं, जान से मार देते हैं मजहब के नाम पे, आप लोग जो है वो इस तरह की जो सारे हमारे सामने चीज़ें आती हैं, जुनेद हफीज की हो गई, इसके अलावा अभी जैसे उनका जिब्रान नासिर का नाम लिया इन्होंने, तो वो भी जब काम करने खड़े होते हैं तो आप अक्सर उठा के देखें उनको, कभी कादियानी कभी कुछ कह के साइड पर कर दिया जाता है, तो हम कैसे आवाज़ उठाएंगे जब हम खुद ठीक नहीं है। अच्छा आरजू, एक बात मैं बताता चलूँ, यहाँ पे इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। एक्सट्रीमिज्म जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, बुद्धा को मैंने पढ़ा है और बुद्धिज्म को मैं समझता हूँ। बुद्धा की तालीमात अगर आप देखें तो बड़ा एक पीस है उसमें, बड़ा एक अमन है, बिल्कुल। और बुद्धा की तालीमात पे इवन के वो घास काटने को भी और सब्जी काटने को भी जो है उन्होंने जुर्म करार दिया है, इतने पीस एक उनका वो है। लेकिन बर्मा में क्या हुआ, किसने किया, सही, क्या वो बुद्धा की तालीमात थी? बिल्कुल भी। और हमारे मुल्क में अभी होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम पैरोकार हैं, आज से 1450 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक यहूदी खातून जो उन पे कचरा फेंकती थी उनके घर आयादत चले, क्या आप उनका कंपैरिजन कर सकती हैं? हमारे लोगों ने जो कुछ किया ये चंद मफाद परस्त का टोला है। बदकिस्मती है, इसकी रूट काजेज की तरफ जाना चाहिए कि इनको किसने बनाया, किसने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, किसने अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया, किसने लोगों को अपने हरीफों को रास्ते से हटाने के लिए इस्तेमाल किया। जो बीज आप बोएंगे वो आपको काटना पड़ेगा। ये मेरा हमारा ये मकसद होना ही नहीं चाहिए। हम ये कर रहे हैं अब जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, हम जा रहे हैं दुनिया के पास और हम दुनिया को बता रहे हैं कि जनाब लॉज क्या कहते हैं, क्रिमिनल लॉ क्या है, जंगी जराइम क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की डोमेन क्या है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या है। आपको पता है ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो 48 में बनी, अक्वाम मुत्तहदा के कयाम के 3 साल के बाद, 4 साल के बाद ये बनी, 48 में जाके, आपको पता है वहां पे क्या हुआ? हुआ ये कि जब ये बनाई गई तो 30 आर्टिकल पर मुश्तमिल थी ये, और ये 30 आर्टिकल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। आप उस 30 आर्टिकल को कभी पढ़े, उनमें से कोई एक सिंगल ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसकी मोदी वायलेशन नहीं कर रहा, बिलखसूस 18 की अगर आप वजाहत देखें तो उसमें आपकी जो है मजहबी आजादी की बात की जाती है। तो हम दुनिया को ये ना बताएं, आपकी दुनिया नहीं सुनेगी। इराक में क्या हुआ, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुआ, चढ़ाई की उन्होंने कि नहीं की, अफगानिस्तान में प्रोटेस्ट हुआ पूरी दुनिया में, अफगानिस्तान में अपने मकासद तक वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इवन के IAEA की रिपोर्ट के बावजूद उन्होंने सब कुछ किया, बेरी बेड़े लाकर ईरान के समंदरों पर लाके फारस पे उन्होंने आके खड़े कर दिए, IAEA ने तस्दीक भी कर दी। दुनिया ऐसे नहीं मानेगी। मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं, मैं जज्बात का सहारा नहीं ले रहा, मोदी की जुबान में मोदी को समझाना पड़ेगा। जब तक आपने जो LOC उन्होंने नहीं मानी, जिस शिमला को आप बोलते शिमला शिमला नहीं रहा, जो 370 नहीं रहा, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? रोजे मैशर का आप इंतजार कर रहे हैं? मैं ये कहता हूं, ये मेरी जात नहीं है, मैं अवामी जज्बात को भी साथ में शामिल कर रहा हूं और फैक्ट की बात बता रहा हूं। हिंदू हिंदुत्वा की बात करो, हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा। मोदी को जब तक आपने उसकी जुबान में नहीं समझाया, मोदी नहीं समझेगा। एक महदूद किस्म की हमें भी एक अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। जब तक हमने नहीं की, मोदी नहीं समझेगा। जो मर्जी कर लें आप, जिस दुनिया के पास जा रहे हैं वो इनके साथ मिले हुए हैं, इनका गठजोड़ है, ये इनके फैसिलिटेटर और सपोर्टर है। जो मर्जी कर लें आप, अपने पुराने GOCs को बुलाएं और पूछें कि इनके साथ क्या कर रहे हैं, वो आपको 10